अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक खैर खरियत से होंगे। ले जी, ये अपना काले मुंह वाला शेखो वाला जोड़ा है, तो मादी ने अंडा उतारा है। अंडे की कंडीशन देखने के बाद मैंने कहा चले आप सब भाइयों के साथ ना मैं एक बात शेयर करता हूँ आपको। अभी मैं ये अंडा भी दिखाता हूँ कि इस मादी में क्या मसला चल रहा है। तो मुकम्मल वीडियो देखनी है मेरे भाइयों ने, किसी भाई ने भी वीडियो स्किप नहीं करनी। और जो भाई चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स में भी अपनी राय दिया करें, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। जो भाई चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। देखें आप लोगों का जो सपोर्ट है ना ये चैनल को सब्सक्राइब करने का और जो वीडियो को लाइक करने का, इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हमें ज़रा हौसला अफजाई होती है कि अगर हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं ना। ये एक बात और भी है, अच्छी बात फैलाना वैसे भी सदका जा रही है, ठीक है। तो मेरे पास जितना नॉलेज है, मेरी कोशिश होती है कि जिन भाइयों को उस चीज़ के बारे में ना पता हो ना, तो अगर मैं बता दूं, ठीक है, तो किसी का एक का भी फ़ायदा हो जाएगा ना, तो समझ लो पूरी इंसानियत का ही फ़ायदा हो गया। ये अच्छी सोच रखनी चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचा। अच्छा, अब मैं ना इस जोड़े के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मसला क्या बना है। अब ये मादी है, ये देखिए, ये मादी है आगे वाली, ठीक है, ये काले मुंह वाला शेखों वाला सियालकोटी जोड़ा है, ठीक है। ये देखें, ये मेल है जी, मेल साहब थोड़े से बुजुर्ग हैं, बाकी ये डर रहे हैं, ये बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत चुकन्ने हैं। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, जो भाई भी वीडियो देखे माशाल्लाह ज़रूर बोले, ठीक है। मैं आपको ज़रा ये दिखाता भी हूँ बड़े, ये देखें, ये फुर्तियाँ देखें इनकी, ज़रा आगे से इनके गुस्से देखें आप, ठीक है। अच्छा, अब इसने जो अंडा दिया ना इस मादी ने, मैं बल्कि थोड़ा सा रोशनी में जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ज़रा, ये देखें, अब ये जो इसने अंडा दिया ना, इस अंडे पे ना एक छोटा सा मसला है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। इस साइड से देखें, ये देखें अंडा टूट भी गया, खुद ब खुद ही टूटा हुआ अंडा। ये देखें, मेरा मोबाइल इसको क्लियर नहीं कर पा रहा, ये मैं इस साइड से दिखा, ये देखें। अब आप देखें अंडे की कंडीशन क्या है, ये अंडे का पूरा फंडा बन गया जी, चेक करें। अच्छा, इसने दिया कच्चे छिलके वाला अंडा, ये मज़ीद मैं आपको ना बाहर रोशनी में जाके दिखाता हूँ, इधर से नहीं नज़र आ रहा सही तरीके से। अब देखें जी, अब मेरे बहुत सारे भाइयों को पता चल जाएगा ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये गौर से देखिएगा। ये अंडे का छिलका इतना सॉफ्ट था, इसको बोलते हैं कच्चा छिलका, कच्चे छिलके वाला अंडा दिया मादी ने। इसका मेन वजह क्या हुई है, ये अंडे की सारी सिचुएशन देख ली आपने, ठीक है। अब इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्या हुई है, ये वजह हुई है इस मादी को कैल्शियम प्लस प्रोटीन की कमी है, ठीक है, जिस वजह से इसने ये कच्चे छिलके वाला अंडा दिया। अब मैं इसके साथ करना कि आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, मेरे किसी भी भाई के पास जो भी पेयर है जो इस तरह के मादियाँ अंडे उतारती हैं ना, तो पहले एक तो मसला चल रहा था कि यार सोना भाई वीडियो बनाए मादियाँ ना अंडे नहीं उतारती, तो मैंने पीछे एक वीडियो लगाई थी प्रवान प्लस पाउडर के बारे में, क्योंकि वो उस पर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद था, वो मकसद यह था कि वो इजीली आपको कहीं से भी मिल जाता है, मतलब कि आप किसी भी दाने वाली शॉप पे जाए ना, हमारे इधर मेरी लोकेशन लाहौर की है, तो हमारे इधर लाहौर में तो ये चीज़ें आम हैं, ठीक है, तो ईजिली मिल जाता है। और बड़ा ये इफेक्टिव है, इन पर बड़ा इफेक्ट करता है माशाल्लाह, इनके ऊपर जो है ना वो बड़ी जल्दी असर करता है। तो इनकी प्रोटीन, इनकी कैल्शियम के बारे में वो बहुत अच्छा है, इवन क्या वो मेरे पास पड़ा भी हुआ है, ये मैं आज लेकर भी आया हूँ, ये देखें, ठीक है, ये है। जिन भाइयों को नहीं पता वो एक बार फिर से देख लें, ये वो पाउडर है, ठीक है, ये मैं आज लेकर भी आया हूँ। अंडा मैंने सुबह ही देख लिया था इस मादी का, जो क्योंकि इसने कच्चा अंडा दिया था, मैंने कहा चलो यार मैं सब भाइयों के साथ बात शेयर करता हूँ। अच्छा, जब ये दूसरा अंडा देगी ना, अभी इसने एक अंडा दिया, जब ये दूसरा अंडा देगी ना, इसने इवन के ये कल दी है, तो आज का दिन छोड़ के कल ये या परसों तक ना दूसरा अंडा दे देगी, लेकिन इसने दूसरा अंडा भी इसी तरह का ही देना है, जिसका छिलका ऊपर से कमज़ोर होगा, अंडा जैसे ही आएगा उसमें सुराख हो जाएगा, कोई मसला बन जाएगा। हाँ, उस दौरान हमने क्या करना है, हमने ये नहीं करना ये अंडे उठा के हमने फेंक देने। अब ये जो समझने वाली बात है ना, उसमें ये टॉपिक है कि हमने ये नहीं करना, हमने ये अंडे उठा के फेंक देने। अगर हमने इनके अंडे उठा के फेंक दिए, तो मादी है जो न्यू अंडे 14 दिन के बाद दोबारा देगी, तो फिर वैसे अंडे देगी, ठीक है। करना क्या हमने, हमने इस मादी के नीचे किसी और जोड़े के अंडे फेर देने हैं, ठीक है। जब ये मादी दूसरा अंडा उतारेगी ना अपना, ठीक है, जब अभी इसने एक अंडा उतारा है, जब ये अपना दूसरा अंडा उतारेगी, तो इसके नीचे हम किसी और जोड़े के, जैसे कि देखें ऊपर माशाल्लाह, ये मेरा गोल्डन जोड़ा है, ये मेरा बहुत लाजवाब जोड़ा है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे बच्चे निकालता है, ये मेरा बहुत पुराना जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा माशाल्लाह 35 वाला जोड़ा देखें,
अल्लाह का शुक्र है आपके भाई के पास ना अल्लाह पाक के फजलो करम से हर नस्ल का हर किस्म का परिंदा मौजूद है, क्योंकि देखिए हम पिजन लवर हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, हमें शौक है। तो हमने ये चीज़ है कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्लेटी जोड़ा चेक करें, बड़े बड़े स्लेटी देखे होंगे मेरे भाइयों ने, ये स्लेटी जोड़ा देखे फिर आप। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये ना जोड़ा अंडों पर बैठा हुआ है, मेरा ख्याल है, देखो ज़रा। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गुस्से में है जी, फूल मादी ने अंडे ये देखें, वो तेरा भला हो जाए, ओए अल्लाह के बंदे अंडा तो नहीं टूट गया तेरा, ये दिखाने के चक्कर में। नहीं जी बचत हो गई है इस अंडे की, तो हो गई है, दूसरा देखता हूँ मैं ज़रा। मादी बड़ी गुस्से वाली है, इसे करना तो नहीं मुझे चाहिए था। ओ तेरा भला हो जाए, अंडे का छिलका इस पर दरार आ गई, इसका भी अपने पास हल है जी। इधर से लेंगे हम थोड़ी सी गीली बीट, क्योंकि उस तरह का नहीं टूटा ये, जिस तरह का टूटता ये देखें, जिस जगह पर अंडे के ऊपर ये मसला आया ना, मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं मेरे मोबाइल में वो चीज़ आ रही है कि नहीं, इस जगह पे आया, उधर हम थोड़ी सी जो है ना गीली बीट लगा देंगे। और जब ये बीट खुश्क हो जाएगी ना, तो अब ये वैसे लग गई है, इसके अंदर ये मसला है कि अब हवा वगैरह क्रॉस नहीं होगी। ये ले जी लगा दिया मैंने, जो हल्का सा इसके छिलके पे मसला बन गया था ना, उस उधर मैंने ये गीली बीट। अच्छा ये भी टिप मिल गई है अपने सब भाइयों को, ठीक है। अंडे पे दरार आ जाए, अंडा टूटना शुरू हो जाए, या सुराख टाइप कुछ हो जाए, सुराख ना हो बस, ऊपर से छिलका टूट जाए, तो हम इस तरह से इसको रिकवर, ये देख रहे हैं गुस्सा करती मारती आगे से, इसको रख दिया मैंने, काट भी रही है, फुल गुस्से वाली है जी, फुल गुस्से वाली, बड़ी कोड़ी मादी है। चल ले बस ठीक है, ये जोड़ा जी मेरा स्लेटी। अच्छा बात बीच में रह गई, ऐसे ही ना हमने किसी जोड़े के ना अंडे निकाल के ना, तो ऐसे इनके नीचे रख देने हैं, ताकि माती ना कम से कम, आपको पता है बच्चे निकलने में फिर आगे उन्हें पलने में कम से कम जो है ना 40 दिन का टाइम लग जाता है। उस 40 दिन के अंदर हमने मादी की प्रोटीन का, कैल्शियम का, उसमें हम इनको एवियन का कैप्सूल दे सकते हैं 400 मिलीग्राम का, 400 मिलीग्राम का एवियन का कैप्सूल डेली बेस पे दें, एक महीना तो लाजमी करें। और साथ एक टैबलेट आपने मेथी उबाल की देनी है, और उसके साथ ये जो मैं पाउडर लेके आया हूँ ना, ये दाने के साथ जो है ना एक अलहदा किसी चीज़ में डाल के इनके आगे रखें, ताकि ये मुँह मारे, और इनकी जो प्रोटीन और कैल्शियम का मसला है ना, वो इस टाइम पीरियड में ना कम्प्लीट हो जाए। ये ना हो कि आप इनके अंडे उठाएं और इनके अंडे फेंक दें कि अब अगला अंडा सही देगी, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। ये तब उसी सूरत में होगा अगर इसको थोड़ा टाइम मिलेगा, वक्फा मिलेगा, तो जाहिर है उस दौरान आप इनके नीचे किसी और के अंडे फेर दें, ये पुराने अंडे आप फेंक दें इनके, और जब ये बच्चे पालने में मसरूफ हो जाएंगे किसी और के, तो अंडे सही होंगे ना, तो उनमें से बच्चे भी निकल आएंगे। कम अज़ कम 40 दिन लग जाएगा, सवा महीना लग जाएगा, उसके बाद जाके फिर वो जो है ना मादी का ध्यान चेंज हो जाएगा, उस दौरान वो खाएगी पिएगी कैल्शियम के, वो जो मैंने बताया एवियन कैप्सूल दें 400 मिलीग्राम वाला, उसके बाद मैथिकबाल की टैबलेट दें, उनकी प्रोटीन का ख्याल रखें, अच्छा दाना डालें, चनों का इस्तेमाल करें, सरसों का इस्तेमाल करें, ठीक है, चने बाजरा गंदम ये चीज़ें डालें, बाकी चने बाजरा गंदम डालें, मकई, और आजकल जैसे बरसात का मौसम है थोड़ा सा, तो दालों से और जो मकई है ना उससे आपने एहतियात करनी है, उनसे अपने परिंदों को बचाना है, उससे ज़रा पोर शोर बंद हो रहे हैं, कबूतर सूख रहे हैं, सोकड़े का शिकार हो जाते हैं, तो मैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। बाकी माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह आपको अपना एक चीना जोड़ा दिखाता हूँ, फूल सिरे चीने माशाल्लाह, एक बच्चा पाल भी रहे हैं इस टाइम, ये माशाल्लाह ज़रूर बोल रहे हैं, ये देखें बच्चा पाल रहे हैं, और इनके ना ताबंद जोड़ा मेरा, इनके रिज़ल्ट शाम शाम तक की परवाज़ों के रिज़ल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर होती रहेंगी, अच्छे अच्छे नॉलेज की बातें शेयर होती रहेंगी, अगर मेरे किसी भाई एक को भी फ़ायदा हो तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। जो भाई चैनल पर नहीं हुआ है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट्स पर अपनी राय लाजमी देंगे। आपको सोना भाई की वीडियो कैसी लगती है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।